कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के थोड़े बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर। टेंथ के क्वेश्चंस हैं, टेंथ लेवल के क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चंस ही हैं। हाँ, अभी तक कुछ पढ़े तो हो नहीं, जितना उतना ही पढ़े हो जितना टेंथ में पढ़े हो। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करना भाई, अरे बोलो यार। चलो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, सर मान लेता हूं लेट ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये आपका ए है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू क्या है? आपका ए है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब ये ए है तो ये भी डिफरेंट नंबर दिख रहा है भाई अपने को, बोलो हाँ। तो ये भी इसको मैं मान लेता हूं, ये दिस इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, कोई दिक्कत? अब ये ए है और ये बी है भाई साहब, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, ए प्लस बी करता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस बी करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो यहां से मालूम पड़ रहा है एक मैंगो प्लस एक मैंगो दो मैंगो और हे गिल ले, तो आंसर टू एक्स स्क्वायर माइनस एट आ रहा है। अच्छा, अगर टू एक्स स्क्वायर माइनस अगर एट आ रहा है तो आपको ये पता होगा बच्चा, अगर मैं यहां से टू कॉमन निकाल लूं तो टू कॉमन निकालने के बाद क्या दिखेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस फोर, वेरी गुड। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अच्छा देखो जरा, शायद ये जो आपको पार्ट दे रखा है यहां पर है ना, इनको मैं लिखता हूं टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब अगर ये a है और ये b है, मतलब मैं बोल सकता हूं इट्स मींस दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, वो क्या आ रहा है? ए प्लस बी आ रहा है भैया, मतलब ये ए प्लस बी का वैल्यू है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं समझा भाई साहब? देखो ये ए प्लस बी है आपका, है ना, ये क्या आपका ए प्लस बी, अगर ये ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब डेट इज ए बी इक्वल टू जीरो होगा। अरे यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आना चाहिए ना, यहां पर टू ए बी का टर्म नहीं है, इसका मतलब ए बी जीरो होगा। अरे सही है, अब ये ए बी जीरो, अगर ए बी अगर जीरो है तो जरा बता ए क्या है बेटा, ए बी जीरो कब होगा? चाहे तो ए जीरो हो जाए या फिर बी जीरो हो जाए भैया। अगर मैं ए को अगर जीरो कर दूं भाई साहब, ए इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्या सॉल्व करना था क्वाड्रेटिक को? पढ़े हो बचपन का प्यार, हाँ बोलो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकाले बेटा, एक्स प्लस टू माइनस कॉमन निकाले, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओ हो, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक्स इक्वल टू वन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अच्छा अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं और क्या? बी इक्वल टू जीरो है तो बी को जीरो कर, तो बी इक्वल टू जीरो क्या मिलेगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, बोलो भाई फैक्टर निकलेगा? एक्स स्क्वायर बोलो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकालो बेटा, एक्स माइनस थ्री, टू कॉमन निकाल लिया, एक्स माइनस थ्री, ओ हो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया भैया? एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा एक्स का बताओ? यहाँ से देखो माइनस टू इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है ना, अरे बोलो यार, इसका मतलब x इक्वल टू वन आंसर होगा, x इक्वल टू माइनस टू होगा एंड थ्री होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है?
अरे बोलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, आपकी मर्जी छापना है छापे, नहीं तो बस देखते रहे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापने की इच्छा है तो छापो। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सॉल्व अंडर रूट ओवर 5x² - 6x + 8 - 5x² - 6x - 7 = 1। सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा टेंथ के लेवल का ही है। चलिए चलें देशवासियों, क्या करना चाहिए भाई साहब? हाँ जी, देखो सर, इन दोनों प्रॉब्लम में मतलब एक ही प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम इनमें ये शायद कॉमन दिख रहा, सभी की आंखें सही है ना। तो अगर मैं बोल दूं यहां पर कि भाई साहब 5x² - 6x को y बोल दे, क्या दिक्कत है? बोल सकते ना, अगर आपने इनको y बोला तो जरा बता क्या मिलेगा? बोलेगा अंडर रूट ओवर y + 8 - y - 7 = 1। सही है। अच्छा अब क्या कर सकते हो? अरे भाई स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो क्या मिलेगा बताओ? तो बोलोगे भाई साहब ए, हाँ हाँ चलो कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख दूं मैं पक्का, इतना तो दिमाग दिया भगवान ने। स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, 1² तो 1 ही होगा, चलो तो क्या मिलेगा बताओ? ए स्क्वायर मतलब y + 8 a² + b² y - 7 a² + b² देन -2a (b) = 1। बोलो सही है। अच्छा अगर ये सही है तो जब बताओ y + y (2y) (8 - 7 + 1 or 1) गिन लेगा? अरे गिन लेना, 8 - 7 तो 1 ना, हे और हे गिन ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब ये गया तो क्या बच गया भैया अपने पास? -2। अरे बोलो, अच्छा बताओ स्क्वायर रूट आपस में अंदर मल्टीप्लाई होता है पक्का? जब ये मल्टीप्लाई होगा तो y + 8 * y - 7 मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? क्या मिलेगा? अरे भाई y + 8 * y - 7 होगा, गरीब आत्माओं कैसे होगा? अरे दादा अंडर रूट ओवर ab = √a / √b होता है नडे, उसी से तो हुआ। तो बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा जल्दी बताओ? y + 8 * y - 7 क्या आएगा? बोलो बोलो जल्दी ले, बोलो यहाँ, अरे जल्दी ले बोलो। y² + y - 56। विश्वास करोगे तेरे ऊपर? 2 2 गिन लेगा पक्का? स्क्वायरिंग करोगे फिर से? स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा? y² = स्क्वायरिंग किया तो स्क्वायरिंग करने के बाद हे गिल ले। अरे यार गया ना यार, सही है। जब ये हुआ हे गिल लेगा पक्का? अरे गया ना बोल रहे। तो y = क्या आया? y = आंसर हो गया क्या भाई साहब? आपका इक्वेशन x के टर्म में था, अभी आपने y निकाला है,
अब y की वैल्यू देखो, ये सब गलतियां आई, ये सब क्यों आपने, ये सब क्यों करवाना पड़ा। कल तो मैं निकल चुका था एक्सप्रेस में, है ना, कि भाई चलो अपन सीधा 11th के एंट्री मार लेते हैं सीधा जेई क्वेश्चंस पे, है ना। लेकिन मालूम पड़ा आपकी चेहरे को देख के ना कि बिल्कुल भैया आप लोग 10th में इतना पाप करके रखे हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मेरे को फिर वापस आना पड़ा, ठीक है, इसके ऊपर। चलिए अब y इक्वल टू 56, तो y की वैल्यू क्या है भाई साहब, 5x पर। कल तो एक बच्चा था बस बोला सर मैं यहीं 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 कुछ कर लूंगा सर। क्यों, आपने इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करवा रहे भैया, कुछ नहीं करवाया, सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद ही तो करवाया था कल वो प्रॉब्लम, हा ना। अब AMGMHM नहीं पता है तो फिर भैया प्रॉब्लम तो होगा ना। चलो अब बताओ भाई, 5x² - 6x - 56 है तो यहां से कुछ कर सकते हो क्या, फैक्टर निकालने का इच्छा है, इच्छा बताओ कैसे निकालेंगे भाई साहब, फैक्टर वैक्टर निकलेगा क्या, कैसे, जल्दी जल्दी आप लोग सब करते जाओ, नहीं करना है आओ कल पेपर है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ छोड़ दो, कुछ नहीं करना, पढ़ाई करो बैठ के, ठीक है। आया नहीं आया, फैक्टर नहीं आया, रास्ते में कैसे निकालेंगे भाई साहब, 56 × 5 280। देख लो भाई बचपन का प्यार कहीं भूल ना जाना रे, आला रे आला, हाँ 35 7 से ले भैया, 7 कोई दिक्कत, 7 × 7 हाँ लाना क्या है, 6x क्या लाना है, 6x, चलो 7 × 5 जा, बहुत ज्यादा हो गया है ना, छोड़ दो, है ना। अब 2 × 2 = 4, अच्छा 4 लाना है, 6 यहाँ पे, हाँ कैसे ऐसे कुछ बैठ रहा है, जल्दी रे सर, 4 × 5 = 7 × 2 = 20, देखो देखो दिमाग दे दी मैडम जी, हाँ 4 × 5 = 20 और 20 − 14 कितना, 6। अरे बोलो तो −20x + 6x - 56, कुछ तो शर्म करो, छोटा बच्चा आंसर देके जा रहा है, हाँ जी क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ भाई साहब, हाँ जी 6x आना चाहिए, तो अपन ने क्या कर दिया, 14x होना चाहिए, ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक सर, छोटे बच्चे को माफ कर दें, नादान है, हाँ जी यहाँ से 5 कॉमन निकाले भाई साहब, x - 5 कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया 14 कॉमन निकाले, हाँ जी x - 4, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक यार क्यों ऐसा कर रहे हो, हाँ जी चलो ठीक है, अरे बोलो यार x - 4 कॉमन, ओहो हो 5x + 14 कोई दिक्कत तो नहीं है, भगवान आपको अच्छे से सब प्रदान करें, x = 4 आ गया, और दूसरा बोल रहा है x = -14/5 कोई दिक्कत तो नहीं है, अति सुंदर, अरे बोलो इसको प्यार से लोग बोलते हैं ANS आंसर बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे, हाँ हो क्वेश्चन लिखिएगा, छाप ली सर घर लगा, चला क्वेश्चन है भाई साहब, भाई साहब आराम आराम से, हाँ होले होले क्वेश्चन लिखिएगा, 5+ कमजोर दिल वाले थोड़ा सा शांति रखेंगे, नहीं तो मालूम पड़ा बस सांसें तेज हो गई फिर आपकी, 5 − √6 × x²− 3 = 10 कितना भैया, 10। ध्यान से देखना ध्यान से, हाँ क्वेश्चन बहुत प्यारा है, भोला साला है ना भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा सा है ना सॉल्व करें, हाँ जी अच्छा भाई साहब नहीं है बहन जी हैं, टेंशन ले रहे हैं, चलिए भैया छापली भाई साहब, चलो भाई साहब दिसुन रलेगा रे, हो
चल बोलेंगे अचानक कैमरे में साइज से बड़ा हो गया भाई साहब। देखिएगा सर यहां पर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा 5 + √6 है, बोलो हाँ, बस यही तो आता है 5 - √6 है। हाँ अच्छा ध्यान देना सर, अगर आपके सामने कभी अगर ऐसा अगर लिखा जाए तो आपको पता है सर इसका उल्टा भाई साहब जो है ना कॉन्जुगेट जो होता है ना तो क्या होता है? पक्का पक्का कोई सर देखो ऐसे सर आप बोलोगे सर बोलो सर मल्टीप्लाई कर देते ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी। अरे बोलो यार। अच्छा जैसे ही आपने ये किया झटका लगा a + b × a - b का किसका अच्छा a + b × a - b क्या a² 25 -b² 24 ओ आला रे आला 1/5 इसका मतलब अगर मैं 5 + √6 को अगर मैं ऐसा लिखूं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ पक्का सच्ची झूठ तो नहीं बोलेगा कसम खा ले। चलो आगे देखो फिर अगर मैं ये लिख दूँ इसको ठीक है ना लिख सकते तो है चलो तो भाई देखो अभी अभी आपने बोला सर लिख सकते होगा ना आपने परमिशन दे दिया रोना मत कुछ देर बाद। हाँ परमिशन दे दिया है तो इसका मतलब अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 + √6 × x²-3 प्लस क्या बात है 1/5 + √6 अरे लिख सकता हूं क्या कोई दिक्कत? देखो सेम बोल दो लेटर 5 + √6 = y। अरे हाँ चलो 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 तो y के पावर एक काम करना बोलना सर क्या कुछ ना क्या थोड़ा सा इसको और कर लेते सर देखो 5 + √6 इसको बोल देते हैं y। पूछो क्यों पूछ 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 अरे जनावर 1 के पावर कुछ भी तो 1 ही होगा ना तो क्या बचा इसके पावर x²-3 अरे वही जो आया इसको अगर y बोला तो y + 1/y = 10 ऐसा था ऐसा हो गया। अब स्क्वायर तो y² + 1 = y = 10 कोई दिक्कत तो y² + 1 = 10y तो y² - 10y + 1 = 0 अरे बोलो मेरे हीरो। अब आगे फैक्टर निकालना आता है भाई साहब कैसे निकालोगे बताओ फैक्टर निकालो कैसे निकालोगे निकाल बोल रहे हाँ चलो रूट्स निकालते हैं। हाँ देखेंगे रूट्स निकाल रहा हूँ ब्रह्मास्त्र लगा रहा हूँ -b ब्रह्मास्त्र जब कोई शस्त्र कामना करे तो निकाल लो ब्रह्मास्त्र क्या होता है भैया -b + √2a तो चलो -b = 10 + −√d डी का मतलब b² - 4ac b² मतलब 100 -4ac डिवाइड बाई 2a ये कितना 1 ओए ओए ओए। अच्छा कोई बताएगा अगर किसी भी इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो वो कहलाता है मोना। क्या बोलता है? मोना। मोना मतलब मोनिक। मोनिक इक्वेशन कहलाता है ना। हाँ जी वेरी गुड। जरा देखो 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 96 बोलो हाँ अरे बोलो हाँ। अच्छा स्क्वायर रूट से कुछ निकलेगा बाहर मुझे बताओ। हाँ क्या 14 क्या 16 6 से कितना होता है? नहीं 16 से काम नहीं है ना पर 2 बाहर निकालना है 14 4 जा कुछ होता है क्या होता है 14 4 नहीं आएगा ना। चलो
इनसे फोर बाहर निकल जाए ना भाई, खेल कितना 2×21 आएगा पक्का? नहीं यार, जानवर है क्या रे? जानवर क्या है? अपने को क्या आना चाहिए? 2×6 आ रहा है क्या? आप लोग एकदम महान हैं, आप पे भरोसा करना बिल्कुल गुनाह है। 48 बोलो हाँ, ये 24 बोलो हाँ, सही है। अरे बोलो यार, ये 12 बोलो हाँ, ये 6 क्या मिल गया भैया? 4√6 है ना। अरे बोलो क्या आ जाएगा? 10 ± 4√6/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ से मिला 5 ± 2√6, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो यार, क्या मैं इनको इधर हटाऊं? एकदम पूरे जितने भी गरीब आत्मा है सब देख लें। तो देखिए हटाऊं ये पक्का, छाप लिए इधर एक साइड। अरे बोलो यार, देखो तो आपने क्या निकाला भाई साहब, यहां से बताओ y इक्वल टू क्या निकाल लिया आपने? एक बार बोलेगा y इक्वल टू कितना? 5 ± 2√6 बोलेगा एक बार। अरे बोलो, और एक क्या बोलेगा आपको? एक बोलेगा y इक्वल टू 5 − 2√6 बोलो हाँ। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब जरा आप बताओगे भाई साहब कि y की वैल्यू क्या थी? आपने अपने आपने जस्ट लिखा था y इक्वल टू क्या लिखा था? आपने y इक्वल टू क्या लिखा था? 5 + 2√6 के पावर x²-3 लिखा था। याद करो वो पल जब आप लिख रहे थे, याद आया? कितना अच्छा पल था वो। अरे यार तुमने लिखा ना y की वैल्यू, ये एज्यूम किया था ना। हाँ, अगर बेस अगर सेम है इसका मतलब पावर आपस में इक्वल होगा। x² = 4, अब x² = 4 इट्स मींस दैट समझ में आया? x² = 4 इट्स मींस दैट x = ±2। आपने अगर बोला x√4 इसका मतलब x = 2। ठीक है, छोटी मोटी बात है नहीं। हाँ, अब देखो वाई की वैल्यू कितना है? 5 + 2√6/ बोलो x²-3 = अच्छा जरा बताओ क्या मैं इनको लिख देता हूँ 1 + 5 2√6 बोलो हाँ। अरे अभी अभी कुछ पल पहले याद किया। हाँ जी, जैसे ही आपने ये लिखा आपके दिमागों को एक थोड़ा सा सनका होगा, हो हो सही है। बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल होगा x²√2 ± √2। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? हाँ, दो अलग चीजें हैं। हाँ जी, अब जा बताओ x = ± √2, x = ±√2 and x = ± √2 आपको निकालना क्या था? आंसर ना आ चुके आपके पास आंसर, ये चार वैल्यू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। हाँ भोले, लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सर, समझदार हैं आप लोग। हाँ चले भैया, सॉल्व x² + x/(x-1)² = 8 कर पाओगे सर? जल्दी से थोड़ा दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं थोड़ा सा, दिमाग है तो? हाँ तो लगाओ फिर, हिम्मत बहुत है ना।
है ना, है कि नहीं, कि अलेवेंथ वाले को तो हिम्मत होता ही नहीं है कुछ बोलने का, है ना, नेक्स्ट ईयर है। चलिए फिर बायो ले लेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट है, जरा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस दिस, अरे बोलो यार सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का, अरे बोलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ होता है, बोलो बोलो क्या होता है, अरे बोलो यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस टू ए, ए कितना एक्स, बी कितना, बी कितना एक्स बाई एक्स माइनस वन, अरे बोलो यार सही है, सही है, हाँ जी सर सर, हाँ बोलो ना, एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, हाँ सही है, माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय, सही है, दिल में झटका लग जाएगा, शांत से बैठे, हाँ अभी अभी आया था ना, हाँ जी अभी देखो सर, एक्स स्क्वायर ओ, कुछ दिखा, क्या दिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, सर सर सेम 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 सेम, बोल दो, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई, अरे हाँ जी, जैसे ही आपने इसको बोला वाई, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू एट, तो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, क्या आप फैक्टर निकालना पसंद करेंगे, पक्का बताइए, y इक्वल टू फोर और विश्वास कर लो, कितने ऊपर, पक्का y इक्वल टू फोर एंड y इक्वल टू माइनस टू, पक्का सोच ले, y क्या था, या y क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर, क्रॉस क्रॉस खेला 4x माइनस फोर, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का सर, यहां से फैक्टर निकल जाएगा, पूछो कैसे निकलेगा, पूछोगे नहीं ना, जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताएं इसका फटाफट निकाल के, अरे आ जाएगा ना भाई, ऐसी कर रहा भाई, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर का फैक्टर नहीं निकल पाया, नहीं निकला, क्या आया, टू टू आया, पक्का, छी इतने गंदगी घर में बैठे हुए हैं, इतना दिमाग नहीं लगा सकता, छी छी ये तेरे पे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, छी अजीब बोली बात में, वाई इक्वल टू माइनस टू, और फैक्टर निकाल रहा है बैठ के, सर आया आया आया, क्या आया पता नहीं, क्या आया बट आया, हाँ आगे बोल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू, अरे हाँ बोल दे बोल दे बोल दे एक बार, तू भी बोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, नहीं आ रहा फॉर्मूला मेथड,
लगाओ ब्रह्मास्त्र लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर फोर माइनस फोर ए सी कितना आ गया? अरे यार बी स्क्वायर मतलब फोर, एकदम जनावर है तेरे पे विश्वास नहीं कर सकते, माइनस बी कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है क्या? डी निगेटिव आ रहा है क्या? अरे भाई बी स्क्वायर कितना हो गया? फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए ए वन सी माइनस टू। अजीब अगरी बात में अरे भाई तू लोग यार विश्वास करने लायक नहीं है तेरे ऊपर यार। डिवाइड बाई टू ए, सिर्फ छापने का हैबिट है तुम लोगों का। हाँ जी तो वन प्लस माइनस रूट थ्री। अरे बोलो यार आपसे क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछा है ना, तो क्या आ गया? x इक्वल टू टू, x इक्वल टू वन प्लस रूट थ्री एंड x इक्वल टू वन माइनस। पक्का सच्ची? हाँ चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भैया मोरे। क्वेश्चन है हटाओगे? अरे बोलो ना यार पक्का। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन मतलब क्वेश्चन रे कथा, कुछ और समझ रहा है छुट्टा? क्वेश्चन लिखेंगे ये, इस क्वेश्चन के साथ मैं अपने सवाल को समाप्त करूंगा। डर लग रहा है? किसी ने कहा है डर के आगे जीत है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चले छापे जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लिए? अरे बोलो यार पक्का। पहले क्या करो भाई, हिंट्स दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से। किससे? एक्स स्क्वायर डिवाइड करो सभी लोग, क्या मिलेगा? 12 एक्स स्क्वायर माइनस 56 और मिलेगा ना, प्लस 89 माइनस 56 बाई एक्स नर यार, प्लस 12 बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का सोच लिया? अरे सोच लिया क्या? जा देखो 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 सर, इन दोनों से अगर आपने 12 कॉमन निकाल लिया तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अरे बोलो हाँ, इन दोनों से अगर आपने माइनस 56 कॉमन निकाल लिया तो मिलेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, बोलो हाँ, प्लस 89। अरे बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं यहां पर लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको पता होगा शायद कि भाई साहब देखो यहां पे ए स्क्वायर, जब भाई साहब ध्यान देना भाई साहब ठीक है। अरे थाम ना यार, गड्ढे का क्या कर रहा है? हाँ देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बोलो बोलो सही बोल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू। अरे यार नहीं समझा क्या? अरे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर माइनस टू। अरे पूछो कैसे? अरे देखो ऐसे। तो क्या मैं इसके प्लेस पे ये लिखूं राइटली? अरे बोलो यार, तो क्या लिखूं मैं? बोलो बोलो क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं बोलो जल्दी से? x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? देखो फिर अब सर मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 12 x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56। अब बोलो सर छोड़ दो ना,
अरे बोलो ना, अरे देखो देखो, लेट एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू वाई। अरे बोलो यार, इसके आगे कर लेंगे खुद से पक्का? इतना भरोसा करूं आपके ऊपर, पक्का? धोखा तो नहीं दोगे, धोखा तो नहीं दोगे? पता नहीं भैया, आजकल बहुत धोखे मिल रहे लाइफ में। देखो क्या लिखो यहाँ पे, 12y square। अरे बोलो ना यार, -24 -56y +89। जरा बोलेगा 12y square -56y। अच्छा 89 -24 इतना तो बोल दे, सोची पक्को विश्वास कर ले। हाँ सही है। अच्छा अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? अरे बोलो यार, सॉल्व कर पाओगे? कुछ कॉमन निकलने की उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं? अरे उम्मीदें हैं क्या? क्या कॉमन निकलेगा? कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? तो आप यहाँ से रूट्स निकाल लोगे पक्का? वाई की वैल्यू निकाल लेना और ये वहाँ पुट करना, फिर से एक्स का इक्वेशन बनेगा, उनको सॉल्व करना, वहाँ से आपके चार रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? चार रूट्स। ठीक है पक्का कर लेंगे इतना उम्मीदें करूँ? फिर मिले कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।